मैं हैरत मिलन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पूरा विश्व जानता है कि भारतवर्ष की महान सांस्कृतिक परंपरा के वाहकों में से एक कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए महाशिवरात्रि का पर्व सबसे विशिष्ट, प्रिय तथा लोकप्रिय माना जाता है। एक संयोग है कि मेरी जन्मभूमि तो गाजीपुर है, लेकिन शिक्षण की शुरुआत और युवा काल का एक बड़ा समय काशी में भगवान महादेव के आशीर्वाद से ही बीता है। जिस प्रकार कश्मीरी पंडित समुदाय हर एक पवित्र कार्य की शुरुआत प्रभु शिव को नमन करते हुए करता है, उसी प्रकार काशी में भी भोले शंकर के वंदन से ही कोई भी शुभ काम शुरू होता है। ओम नमः श्री संभवे स्वात्मानंद प्रकाश उसे, अर्थात ओम स्व प्रकाश आनंद स्वरूप भगवान शिव को मेरा प्रणाम। और सबसे विशेष बात यह है कि बनारस में एक दूसरे का अभिवादन करते हुए भी लोग राम राम की बजाय हर हर महादेव का प्रयोग ज्यादा करते हैं। ये कोई अभिवादन की परंपरा मात्र नहीं है, ये भगवान शिव के प्रति समर्पण भाव को दर्शाती है। और मुझे ये कहते हुए अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है कि सदियों से इस देश में कश्मीरी पंडित समुदाय ने ज्ञानार्जन, विद्यार्जन और अध्यात्म की यात्रा में भगवान शिव के प्रति अपने समर्पण साधना से देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को सशक्त बनाया है तथा श्रद्धा एवं भक्ति के साथ समस्त मानवता को भाईचारे और मानवीय मूल्यों की श्रेष्ठ भावना से भी परिचित कराया है। आज इस अवसर पर मैं यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के अध्यक्ष, उनके पदाधिकारी और सभी साथियों के अप्रतिम कार्यों की सराहना भी करना चाहूँगा। श्री आर के भट्ट और सभी मित्रों ने मिलकर नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का जो एक अभिनव प्रयास प्रारंभ किया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। हमारी परंपरा कहती है कि वही समाज सबसे सुसंस्कृत माना जाता है जो अपनी जड़ों से जुड़ा होता है। जड़ यानी संस्कृति का प्रारंभ, जड़ यानी रूपांतरण की अनंत संभावना, जड़ यानी समाज की क्षमता जो जीवन के चरम शिखर को छूने में हर एक इंसान का सामर्थ्य बन सकती है। मित्रों, शिव सूत्र में भगवान शंकर ये बात कहते हैं, ज्ञान मन्नह, अर्थात ज्ञान ही अन्न है। वह याद दिलाते हैं कि हम शरीर को तो भोजन करा देते हैं, लेकिन आत्मा की भी एक भूख होती है और वह भूख जागृत रहती है। ज्ञान और प्रज्ञा से ही वो भूख मिटती है। मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम उसी दिशा में किया गया एक प्रयास है जिससे इस भूख को तृप्ति मिलेगी। जागृति ही आत्मा का असली अन्न है। और जिस प्रकार पूरे विश्व में हैरत मनाया जाता है, वो इस बात को दर्शाता है कि अपनी विरासत, अपने आध्यात्मिक वैभव से जुड़कर ही हम अपनी आस्था को मजबूत कर सकते हैं तथा भारत राष्ट्र को भी सशक्त, उन्नत और विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान दे सकते हैं। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने सदैव इस बात पर बल दिया है कि हमारी विरासत का संरक्षण और विकास, ये दोनों साथ साथ चलना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि भारत के आध्यात्मिक पुनर्जागरण का नया काल प्रारंभ हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, और इसी से भारत फिर से अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा और विश्व गुरु का स्थान भी निश्चित रूप से। हैरत का ये उत्सव हमारी अनमोल विरासत है। इस उत्सव ने सदैव राष्ट्रीय एकात्मता को मजबूती और देश की सेवा की प्रेरणा प्रदान की। मैं मानता हूँ मानव जाति के कल्याण
और जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास के लिए नई पीढ़ी को अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार रहना होगा। अभी आरके भट्ट जी कुछ कह रहे थे, मैं समझता हूँ कि उस पर प्रतिक्रिया देना मेरा मुनासिब नहीं होगा, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ कि पिछले 8-10 वर्षों में केवल देश की राजनीतिक शैली नहीं बल्कि कार्य संस्कृति में भी बड़ा बदलाव हुआ है और एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी सरकार है देश में जो दिल्ली में बोलती है वही जम्मू में बोलती है और वही श्रीनगर में बोलती है। वो जमाना चला गया कि कुछ लोग श्रीनगर में कुछ बोलते थे, जम्मू आकर कुछ बोलते थे और दिल्ली में जा करके कुछ बोलते थे। मैं इतना कह सकता हूँ कि एक लंबा फासला माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने तय किया है और कश्मीरी समाज ने भी, कश्मीरी पंडित समाज ने भी तय किया है। कुछ चीज़ें हैं मुझे लगता है कि वो कहने से बिगड़ जाती हैं और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जिस रास्ते पर प्रधानमंत्री जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, जम्मू कश्मीर को आगे लेकर के चल रहे हैं, निश्चित रूप से वो दिन जरूर आप देखेंगे कि ये उत्सव आप जम्मू में नहीं कश्मीर में मनाएं। यही बात कहते हुए मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।